नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपको ओली न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ साक्षी पांडे। आपको बता दें कि अब बड़ी खबर सामने आ रही है कि राहुल गांधी को हिरासत में ले लिया गया है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, जिस तरह से प्रदर्शन चल रहा था आप देख सकते हैं तस्वीरों में, बड़ी खबर अब सामने आ रही है कि जिस तरह से नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ लगातार चल रही थी, उसी के बीच में प्रदर्शन करने का काम कर रही थी कांग्रेस पार्टी, लेकिन अब पुलिस ने राहुल गांधी को हिरासत में ले लिया है। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मार्च निकालने से पहले उन्होंने अपनी बात रखी, प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान का हर संस्था आज स्वतंत्र निष्पक्ष नहीं है, हिंदुस्तान का हर संस्थान आज आरएसएस के नियंत्रण में है। आपकी क्या राय है? जो आप देख रहे हैं इस वीडियो को, आप अभी के अभी अपनी प्रतिक्रिया मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि क्या जो राहुल गांधी जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे थे और ईडी अभी उन पर ही हमलावर है, जिस तरह से भ्रष्टाचार का मामला उन्हीं के खिलाफ, उनकी माता जी वो सोनिया गांधी के खिलाफ सामने आया, उसके बाद से उनका ये कहना है कि हिंदुस्तान का हर संस्थान आज स्वतंत्र नहीं है, निष्पक्ष नहीं है, हिंदुस्तान का हर संस्थान कहीं ना कहीं आरएसएस के नियंत्रण में है, क्या ये बात आपको भी सही लगती है? अगर सही लगती है तो अभी के अभी कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दें, हाँ में और ना में अपनी जवाब मुझे जरूर भेजें। मैं आपको बता दूं कि हम सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं, हम हिंदुस्तान के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये बात राहुल गांधी ने पेन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है कि हम पूरे हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लड़ रहे हैं, हमारा काम है विपक्ष होने के नाते लड़ना। लेकिन ये बात अब ये हो रही है कि जिस तरह से अभी पिछले दिनों तिरंगा झंडा निकाला गया था, जिस तरह तिरंगा की रैली निकाली गई थी, उसमें पत्र भेजने के बावजूद कांग्रेस पार्टी का एक सांसद भी शामिल नहीं हुआ था तिरंगा रैली में, तो अब ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि उसके दो दिन के बाद ही इतने भारी मात्रा में सांसद कहाँ से आ गए और किस तरह से लोट लोट कर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से प्रदर्शन पर उतर गई है। मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी महंगाई के खिलाफ देश भर में हल्ला बोल जारी किए हुए है। दिल्ली पुलिस ने फिलहाल कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद से कांग्रेस के कार्यकर्ता और बौखला गए हैं। और आपको मैं बता दूं कि राहुल गांधी के साथ कई अन्य सांसद को भी राष्ट्रपति भवन के रास्ते में ही रोक लिया गया है। मार्च निकाला गया था राष्ट्रपति भवन तक के लिए, मैं आपको बता दूं, लेकिन पुलिस ने उन्हें विजय चौक पर ही रोक लिया और उसके बाद से राहुल गांधी समेत कई अन्य नेताओं को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ने कांग्रेस को इस मार्च की अनुमति नहीं दी थी, क्योंकि पूरे दिल्ली शहर में, मैं आपको बता दूं, इस इलाके में धारा 144 लागू है। धारा 144 लागू होने के बावजूद राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को इजाजत नहीं थी कि वो इस तरह से प्रदर्शन करें, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने रैली निकाली और उन्हें अब हिरासत के पीछे ले लिया गया है। लेकिन अब सवाल जो खड़े हो रहे हैं कि नेशनल हेराल्ड केस मामले में जब उनकी माता जी से सवाल पूछे गए सोनिया गांधी से, जिस तरह से पिछली बार देखा गया था किस तरह से स्मृति ईरानी और सोनिया गांधी के बीच में तीखी बहस भी हुई, कहीं उसी के जवाब में तो ये प्रदर्शन नहीं, उसी का गुस्सा तो ये प्रदर्शन के रूप में नहीं देखने को मिल रहा है। आप लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं, आप जनता जनार्दन है, आप अभी के अभी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए क्या आपको भी लगता है कि जिस तरह से आज ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, ये महंगाई की आड़ में हो रहा है कि सच में महंगाई एक मुद्दा है, या सोनिया गांधी से जिस तरह से ईडी सवाल पूछ रही है, जिस तरह से पूरे देश में अब हामिद अंसारी को लेकर कांग्रेस पार्टी को पहले घेरा गया, उसके बाद से नेशनल हेराल्ड केस, उसके बाद से एक एक करके जिस तरह से नई नई चीज़ें सामने खुल के आ रही हैं, आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है उसके पीछे कहीं ना कहीं वही ये सारी वजह है कि सच में कांग्रेस पार्टी अब महंगाई को लेकर सामने उतर रही है? आपको मैं बता दूं कि सांसदों के साथ मारपीट भी हुई है इस बात के लिए, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से बात की है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा कि सभी सांसद महंगाई के मुद्दे को उठाने के लिए राष्ट्रपति भवन जा रहे थे, लेकिन हमें आगे नहीं जाने दिया जा रहा है, हमारे काम जनता के मुद्दों को उठाना है, हम इसीलिए इस मुद्दों को उठा रहे हैं। कुछ सांसदों को हिरासत में लिया गया है और कुछ के साथ मारपीट भी हुई है, इस तरह का इल्जाम लगा रहे हैं राहुल गांधी। आपको बता दें कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने भी बड़ी बात की, उन्होंने कहा हम राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने हमें रोक दिया है। पुलिस का कहना है कि इस इलाके में धारा 144 लागू है, यहाँ विरोध प्रदर्शन करने की
अनुमति नहीं है, कांग्रेस सांसदों को गिरफ्तार किया गया है और उसके बाद से उन्हें हिरासत के पीछे फेंक दिया गया है, इस तरह की बात कही जा रही है। आपको बता दें उसी के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने भी कहा कि यह विरोध महंगाई और अग्निपथ स्कीम को लेकर के है, ये जो भी प्रदर्शन हम कर रहे हैं ये महंगाई को लेकर कर रहे हैं, महंगाई ने सभी पर असर डाला है, सभी को इसने अपने असर मिला दिया है, इसलिए राजनीतिक पार्टी होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम लोगों की आवाज़ बने, लोगों के लिए आवाज़ उठाएं, इसीलिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बड़ी बात वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने कही है। आपको बता दें कांग्रेस के कई सांसदों ने काले कपड़े पहन के इस प्रदर्शन को निकाला, इस मार्च को निकाला, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। इस दौरान राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों मौजूद थे और उनके साथ कई अन्य बड़े नेताओं को भी देखा गया। आपको बता दें कि दिल्ली, बिहार, तेलंगाना, राजस्थान समेत कई अलग अलग जगहों पर देश भर में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है। दिल्ली में बारिश के बावजूद कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके खिलाफ नारेबाजियां चल रही है। आपको बता दें कि उधर प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के नेता पार्टी दफ्तर से मार्च निकाल रहे, कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए कांग्रेस मुख्यालय के बाहर काफ़ी बड़ी मात्रा में पुलिस बल को तैनात किया गया है, इसमें से 10 से ज़्यादा बसों को भी वहां पे खड़ा किया गया है ताकि कांग्रेस कार्यकर्ता इसको लेकर अगर ज़्यादा प्रदर्शन करते हैं तो फिर उन्हें हिरासत में ले लिया जाए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी तरह से बिहार में भी कार्यकर्ता सड़क पर और किस तरह से बैरिकेड के ऊपर चढ़ने का काम कर रहे हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि संसद से राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकाला गया कांग्रेस के द्वारा और उन्होंने जो नारा दिया वो नारा मैं अभी आपको बताती हूँ कि अब गरीब की थाली पर भी GST की मार है, देश का गरीब GST की लूट से लाचार है, ये नारा दिया है कांग्रेस पार्टी ने, इसी के दम पे वो आज पूरी तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस ने ये हल्ला बोल स्थित कांग्रेस मुख्यालय से शुरू किया था और आपको बता दें कि कांग्रेस ने राष्ट्रपति से मिलने का वक्त मांगा था, उन्होंने कहा था कि उन्हें राष्ट्रपति से मिलना है, लेकिन अभी तक किसी भी तरह की प्रतिक्रिया राष्ट्रपति की तरफ से नहीं देखी गई है, अभी किसी भी तरह से कोई भी बात नहीं किया गया है। और आपको बता दें कि महंगाई पर हल्ला बोल से पूरी तरह से हैशटैग भी चल रहे हैं और दिल्ली पुलिस ने क्या कहा है वो मैं आपको बताऊंगी कि सिर्फ जंतर मंतर पर ही कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर सकती है, उसके अलावा पूरे राज्य में कहीं पे भी नहीं अलाउ किया जाएगा क्योंकि धारा 144 लागू है। दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस को पत्र लिखकर बकायदा ये बात कही है कि जंतर मंतर को छोड़कर पूरी दिल्ली में के इलाके में 144 धारा लागू है, ऐसे में प्रोटेस्ट की इजाज़त नहीं दी जाती है, ऐसे में प्रोटेस्ट की इजाज़त नहीं दी जा रही है, इसलिए अगर धारा 144 का उल्लंघन किया जाता है, उसका उल्लंघन हुआ तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी, कांग्रेस पार्टी पे चाहे राहुल गांधी हो चाहे सोनिया गांधी हो चाहे कोई भी हो उन पर कार्रवाई की जाएगी। और नई दिल्ली इलाके में आपको बता दें कि DSP ने 4 अगस्त और 2 अगस्त यानी दो बार कांग्रेस नेता KC वेणुगोपाल को इसको लेकर लेटर भी लिखा है, जानकारी के साथ साथ एक तरफ से चेतावनी भी दी गई है कि अगर इस तरह से धारा 144 का उल्लंघन किया जाता है तो किस तरह से उन्हें हिरासत में लेने का काम करेगी पुलिस। मैं आपको बता दूं कि इस तरह से खबरें अब सामने आ रही हैं, अब देखना ये है जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा प्रदर्शन का काम कर रही है कांग्रेस पार्टी। अब ये कहा जा रहा है कि ये जो मामला है ये कहीं ना कहीं नेशनल हेराल्ड केस के मामले के बाद से ही सामने देखने को मिल रहा है, आखिरकार इसके पहले भी तो कई बार ये चीज़ें हुई हैं पर कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन क्यों नहीं किया, आपकी क्या राय है, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें ओनली न्यूज़ नेशन। बहुत